नमस्कार, मैं रेणु अग्रवाल, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज़। 8 जून है और 8 जून का दिन जो है धार के लिए बड़ा दिन है। आज धार कलेक्टर के रूप में आलोक कुमार सिंह ने आज अपना पदभार ग्रहण किया। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि उनसे मिलने के लिए कई अधिकारी भी मौजूद हैं, कई समाजसेवी भी मौजूद हैं। वे धार कलेक्टर को बधाई देने के लिए पहुँचे हैं। आपको बता दें कि धार कलेक्टर ने एसकेपी लाइव न्यूज़ को बताया है कि उनकी जो प्रायोरिटी इस कोविड पीरियड में जो रहेगी वो स्वास्थ्य सेवाएँ तो रहेगी रहेगी, वही शासन की योजनाओं को बेहतर तरीके संचालित करने की उनकी जो मंशा है उन्होंने वो जाहिर की है। मैं रेणु अग्रवाल, आप देख रहे हैं एसकेपी। आज मैंने धार का प्रभार लिया है। सबसे पहले मैं यहाँ सभी का शुक्रिया करता हूँ, आप सबका। अभी जो वैश्विक महामारी का दौर चल रहा है उसमें कोविड-19 से बचाव जैसे कि पूरे देश में और प्रदेश में प्राथमिकता है। सबसे पहले मेरी प्राथमिकता रहेगी इस पे नियंत्रण की। मुझे खुशी है कि अभी हमारा जो यहाँ का पुलिस प्रशासन का हमला है, हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, प्रेस मीडिया के साथी हैं और आम पब्लिक ने भी इसमें बहुत सहयोग किया है और इसके नाते स्थितियाँ काफ़ी नियंत्रण में हैं। क्योंकि अब अनलॉक का फेज है, आप सभी को पता है, इसलिए सबको एजुकेट करना बहुत आवश्यक है। इसके साथ ही मैं आप सबसे भी अनुरोध करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे बचाव के बारे में एजुकेट करें, क्योंकि अनलॉक में जब लोग बाहर निकलेंगे तो इसको नियंत्रण करना अपने आप में ज़रूरी होगा और इसके लिए सबसे ज़रूरी है लोगों को ट्रेंड करना, लोगों को इसके बारे में जानकारी देना। शासन की जो भी नीतियां हैं उसको अच्छे से लागू कराना वो निश्चित रूप से सबसे सर्वोच्च प्राथमिकता पे मेरे रहेगा। और इस कोविड के दौर में हम ये भी कोशिश करेंगे कि जो हमारी स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको बेहतर बना पाएँ, जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उनको भी हम शासन की मदद से और मजबूत करें, क्योंकि लगातार अभी इसका इलाज नहीं आया है, इसमें प्रिकॉशन नहीं है, तो हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना है और इसको हम मजबूती से यहाँ पर कायम करेंगे। जैसा आप सबको, सब यहीं के निवासी हैं, धार अपने आप में एक ऐतिहासिक टूरिज्म के नक्शे पे भी बहुत बड़े पैमाने पे है, न केवल देश में बल्कि विश्व में भी इसकी विरासत बनी हुई है। तो यहाँ के ऐतिहासिक और टूरिज्म के जो महत्व है उसको बनाए रखने के लिए उसको और ऊपर ले जाने का मैं प्रयास करूँगा। जो कृषि सेक्टर है वो मेरी स्पेशल प्रायोरिटी हमेशा से रही है, मेरी इसमें काफ़ी रुचि रही है। जो हमारे किसानों का खेती का सिस्टम है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पैकेजेज जारी किए हैं, कृषि के एलाइड सेक्टर हैं, हार्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, इन सब में क्या बेहतर कर सकें हम लोग, अपने क्षेत्र में MSME ला सकें, फूड प्रोसेसिंग की यूनिट्स भी ला सकें और किसानों की बेहतरी के लिए जितने प्रयास होंगे वो करेंगे। एक मुद्दा हमारा प्रवासी जो हमारे मजदूर भाई यहाँ पे आए हुए हैं उनका है, वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है और कोशिश ये है कि सभी को जॉब कार्ड्स मिलें, उनकी हम स्किल ट्रेनिंग कराएं। जो हमारा इंडस्ट्रियल एरिया पीथमपुर का, जिसके नाते हमारे धार की एक पहचान है, वहाँ से भी बड़ी संख्या में लेबर अपने गृहग्राम को चले गए हैं। हमारा कोशिश है कि एक पोर्टल के माध्यम से यहाँ पे जो हमारे अनस्किल्ड लेबर हैं उनको हम स्किल्ड में कन्वर्ट करें और जिससे उनके हितों की भी रक्षा हो, उनको बेहतर पेमेंट मिले और हमारा जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसका डेवलपमेंट हो। खास करके जो हमारी इंडस्ट्रीज, हमारी कोशिश रहेगी कि इस आगे फेज में इंडस्ट्रीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दे सकें, अपने ज़िले में और रोज़गार के साधन हम क्रिएट कर सकें। और इन सब में प्रेस और मीडिया के जो आप हमारे साथी हैं, आप सबसे यही अनुरोध रहेगा कि कोविड के बचाव के लिए लोगों को जितना ज़्यादा जागरूक करें, क्योंकि अब इसमें सेल्फ कंट्रोल्ड ही अपने आप में सबसे बड़ी ज़रूरत है। इसके लिए मैं आप सबसे अनुरोध करूँगा।